हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन लेक्चर नंबर 8 के बारे में। लेक्चर नंबर 1 से 7 तक जो भी लेक्चर हुए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के, वो एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको क्विजेज और बहुत कुछ जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब वहाँ पर हम जो है न्यूज़पेपर को डालना स्टार्ट भी करेंगे, तो वहाँ पर आप जा कर के उसको ज्वाइन कीजिएगा। और न्यूज़पेपर जो हैं, जैसे अमर उजाला हो गया और कई टाइप के द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसको आपको पढ़ने से आपकी इंग्लिश को अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का यह लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टार्टर्स के बारे में। देखिए, घरों में मोटर्स होती हैं, घरों में जो समरसेबल होता है उसमें एक स्टार्टर लगा हुआ होता है उसकी मोटर में, तो ग्रीन और रेड कलर का बटन होता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। थ्री पॉइंट स्टार्टर की संरचना कैसी होती है उसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, डीसी मोटर आधारित थ्री पॉइंट स्टार्टर में मुख्य रूप से एल ए और एफ, ये तीन पॉइंट टर्मिनल हैं, एल ए और एफ जैसे तीन टर्मिनल सम्मिलित होते हैं। यहाँ एल क्या है, लाइन टर्मिनल है, वो पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा होता है, ठीक है। और ए क्या है, वो आर्मेचर टर्मिनल है, तो आर्मेचर टर्मिनल की बाइंडिंग से जुड़ा। और एफ फोल्ड टर्मिनल है, ये एफ जो है वो फील्ड टर्मिनल है, जो फील्ड टर्मिनल की वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो तीन टर्मिनल हमने यहाँ पे बताए, एक एल ए और एफ। तो एल जो है वो लाइन टर्मिनल है, जो पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। ए जो है वो आर्मेचर टर्मिनल है, जो आर्मेचर की वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होगा। और एफ जो है वो फील्ड टर्मिनल है, जो फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होता है। तीन पॉइंट स्टार्टर की संरचना में प्रारंभिक करंट को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर आर सम्मिलित होता है और एच जो है वो एक स्प्रिंग एस के साथ ऑफ स्थिति में रखे हुए सर्किट को संभालती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे थ्री पॉइंट स्टार्टर की कार्यविधि के बारे में, कैसे काम करते हैं। देखिए, हमने जो तीन टर्मिनल बताए थे वो यहाँ पर थे, एक तो एल है, एक एफ है और एक है ए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि वीडियो में कुछ ब्लर दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, वो तब आपको क्लियर दिखेगा। वर्किंग के बारे में बात करते हैं, तो थ्री पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को एक स्टड से दूसरे स्टड में लाया जा सकता है और इससे रन पोजीशन मिलने पर मोटर की गति बढ़ जाती है, ठीक है। देखिएगा, ये एक लीवर है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक लीवर है और साथ साथ में यहाँ जो ये लगी हुई है, ये है यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये जो है ये है स्टार्टर हैंडल। इसको बोला जा रहा है कि जो स्टार्टर हैंडल है उसको एक स्टड से दूसरे स्टड में ले जाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1, R2, R3, R4, R5, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर जो है ये ऑफ है, जैसे ही ये यहाँ पर जाएगा 1, 2, 3 ऐसे जाएगा तो ये जो है यहाँ पर ये मोटर रन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभी ये ऑफ स्थिति में है। अब देखिए, सॉफ्ट आयरन पीस होता है, ये जो हैंडल बना होता है ये सॉफ्ट आयरन पीस का बना हुआ होता है और इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर हैंडल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक लीवर लगा हुआ है, ठीक, और ये क्या है, त्रिभुजाकार आयरन पीस है। यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आयरन पीस लगा हुआ है जो ये कनेक्शन के बारे में हमको बताता है, ठीक है। जैसे ही हम इसको जो है आगे को प्रेस करते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होने के बाद इसमें सप्लाई चालू हो जाती है, सप्लाई चालू होने के बाद तुरंत जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये होता है स्टार्टर का काम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आइए चलते हैं आगे। डीसी शंट मोटर को फुल स्पीड मिलती है, सर्किट में वोल्टेज की सप्लाई दोनों मोटर की वाइंडिंग में सीधी होती है और आर रेजिस्टेंस पूरी तरह से कट आउट है, तब ये स्टार्ट होती है। इसकी कार्यविधि, सर्किट में एच हैंडल रन स्थिति में एक एनवीसी, एनवीसी का मतलब होता है कोई वोल्ट ट्रिप क्वाइल द्वारा मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ आयोजित किया जाता है और इस एनवीएस क्वाइल को मीटर फील्ड, ठीक है, ये है मोटर,
मोटर फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। देखिए एनवीएस क्वाइल जो होती है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनवीएस क्वाइल को मीटर जो मतलब मोटर फील्ड वाइंडिंग है उसको उसके साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो याद रखना सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एनवीएस वाइंडिंग को मोटर फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। तीन पॉइंट स्टार्टर की कमियां क्या क्या हैं इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिएगा तीन पॉइंट स्टार्टर का मुख्य दोष यह है कि फील्ड के रियोस्टेट के मॉडिफिकेशन के साथ हैवी स्पीड के अंतर से मोटर्स की एक बड़ी कमी का अनुभव करता है। मोटर की स्पीड बढ़ाने के लिए फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा तो पूरे शंट फील्ड में करंट का प्रवाह कम हो जाता है। हाई स्पीड प्राप्त करने के लिए हाई रेजिस्टेंस को जोड़ना फील्ड करंट को बहुत कम कर देता है, और जब एनवीएस शंट फील्ड द्वारा सीरीज में जुड़ा हुआ है तो मिनट करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को कम कर देता है। यह मैग्नेट सामान्य मोटर ऑपरेशन के माध्यम से एच हैंडल के आर्मेचर को मुक्त कर सकता है। ठीक है, एच हैंडल के आर्मेचर को मुक्त कर सकता है और साथ ही इसे पावर सप्लाई से अलग कर सकता है। इसलिए चार पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जा सकता है जहां समांतर फील्ड में कोई बोल्ट द्वीप क्वाइल संबंध नहीं है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों के तीन पॉइंट स्टार्टर की कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके लिए एक फोर पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया गया। तो फोर पॉइंट स्टार्टर के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए चार पॉइंट स्टार्टर की कार्यात्मक अभिलक्षण तीन पॉइंट स्टार्टर के ही समान होते हैं। चार पॉइंट स्टार्टर डीसी मोटर के चलने के दौरान ईएमएफ की कमी के करंट कंट्रोल उपकरण के रूप में कार्य करता है। एक चार पॉइंट स्टार्टर एक सुरक्षा उपकरण के रूप में भी कार्य करता है, और तीन पॉइंट स्टार्टर की तुलना में चार पॉइंट स्टार्टर के बीच मुख्य अंतर है। क्या अंतर है, आइए देखिए। होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड सर्किट से अलग किया जा सकता है और जिसके बाद सीरीज को लाइन के अक्रॉस लिमिटिंग रेजिस्टेंस आर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। सर्किट के संपर्क पॉइंटों को स्टैंड कहा जाता है और जिसे 1, 2, 3, 4, 5 इनके साथ दर्शाया गया है। ये क्या हैं, ये स्टैंड हैं। क्या हैं, ये स्टैंड है, ये पांच यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। पहला है लाइन टर्मिनल, जो एल एक पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा होता है। आर्मेचर आर्मेचर की वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होता है। फील्ड टर्मिनल फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा होता है। और थ्री पॉइंट स्टार्टर के अलावा एक अतिरिक्त ऑपरेटिंग पॉइंट है जिसे एन अक्षर से दर्शाया गया है, और यह एनवीएस यानी कि नो वोल्ट कॉइल से जुड़ा हुआ होता है। चार पॉइंट स्टार्टर सर्किट डायग्राम के बारे में बात करें तो चार पॉइंट स्टार्टर का सर्किट आरेख दिखाया गया है, आगे है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसकी अवस्था जो इसकी व्यवस्था है वो तीन समांतर सर्किट बना सकती है। कौन कौन सी, आर्मेचर, शंट फील्ड वाइंडिंग और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। शंट फील्ड वाइंडिंग और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कॉइल और करंट लिमिटेड रेजिस्टेंस और होल्डिंग कॉइल। ठीक है, उपरोक्त जो तीन सर्किट व्यवस्था है उससे मोटर की गति कुछ अंतर होने पर जो होल्डिंग कॉइल है उसका उपयोग करके करंट इफेक्ट का प्रभाव नहीं होता है, और वर्तमान में रेगुलेटेड पुश बटन स्टार्ट्स का भी उपयोग किया जाता है जिसको हम दबाते हैं स्टार्ट करने के लिए। इन स्टार्टर्स के ऑन स्विच को आर्मेचर सर्किट के साथ या माध्यम से सीरीज में करंट रेजिस्टेंसों को सीमित करने के लिए पुश किया जाता है। फिर पूरी लाइन वोल्टेज सर्किट के लिए प्राप्त होती है और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस धीरे धीरे एक ऑटोमेटिक कंट्रोल प्लान के साथ अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही बात है, बस ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन थोड़े से। तो दोस्तों थ्री पॉइंट स्टार्टर और फोर पॉइंट स्टार्टर में यही एक पॉइंट है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पर देखिएगा ये एन पॉइंट है, और ये एन पॉइंट जो है इस नो कॉइल मतलब इसमें लिखा हुआ है एक वाइंडिंग होती है नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल ये होती है और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। बाकी जो थ्री पॉइंट में थे वो एन एफ और ए यहाँ भी तीनों होते हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा अलग हो जाता है।
नेक्स्ट में देखिए, एक बार ऑफ स्विच दबाने पर आर्मेचर सर्किट अलग हो जाता है और सामान्य स्टार्टर सर्किट को समय टाइम रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस स्टार्टर का मुख्य लाभ यह है कि यह नए ऑपरेटर को भी आसानी से मोटर ऑपरेट करने की अनुमति दे देता है। डीसी मोटर्स की इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर को सामान्य मैकेनिकल ब्रेक या इलेक्ट्रिक ब्रेक का उपयोग करके जल्दी से आराम करने के लिए लाया जाता है। मैकेनिकल ब्रेक के साथ एक स्मूथ स्टॉप को प्राप्त करना संभव नहीं है और साथ ही लाइनिंग लीव और मैकेनिकल लाइनिंग लीव और मैकेनिकल व्यवस्था आवश्यक है। यह ऑपरेटर के स्किल पर निर्भर करती है कि जो उसे ऑपरेट करता है वो कितनी जानकारी रखता है। जैसा कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो मोटर बहुत जल्दी रेस्ट करने के लिए लाती है, आसान विश्वसनीय है। तीन प्रकार की इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग विधियां, जो कि पहली है रियोस्टेटिक या फिर डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग या फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। हालांकि मोटर को इलेक्ट्रिक रूप से रेस्ट करने के लिए लाया जाता है, लेकिन बाकी की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक मैकेनिकल ब्रेक होना आवश्यक होता है। बात करते हैं डीसी शंट मोटर की इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की। देखिए, रियोस्टेटिक और डायनेमिक ब्रेकिंग क्या है, तो इस विधि में आर्मेचर सप्लाई के डिसकनेक्टेड, जो आर्मेचर सप्लाई है उससे डिसकनेक्टेड होता है और रेजिस्टेंस के कनेक्ट होने पर ये जो है कनेक्ट हो जाता है, जबकि फील्ड सप्लाई इससे जो है कनेक्ट रहती है। मतलब जो रियोस्टेटिक और डायनेमिक ब्रेकिंग का जो मेथड है उसमें क्या होता है कि आर्मेचर सप्लाई से डिस्कनेक्ट होता है और रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है, कौन, आर्मेचर, जबकि फील्ड सप्लाई से कनेक्ट रहती है। यानी कि फील्ड सप्लाई से क्या होती है, कनेक्ट रहती है, इसमें रेगुलर बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं ये रनिंग में और ये फिगर आपको दिखाया गया है ब्रेकिंग में। गतिमान द्रव्यमान की सभी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है जो जुड़े हुए चर रेजिस्टेंस में डिस्कनेक्टेड होती है, और ब्रेकिंग टॉर्क परिमाण के रेजिस्टेंस आर के मान को अलग करके कंट्रोल किया जा सकता है। और इस विधि का लॉस यह होता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई के फेलियर की स्थिति में यह विधि अप्रभावी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरा अलग हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ब्रेकिंग का ये फिगर है और रनिंग का ये फिगर है, तो आप दोनों को ध्यान से बना लीजिएगा और ध्यान रखिए। डीसी सीरीज मोटर की इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में बात करें। डीसी सीरीज मोटर रियोस्टेटिक या फिर डायनेमिक ब्रेकिंग, तो सप्लाई से आर्मेचर को डिस्कनेक्ट करने का मूल सिद्धांत समान रहता है। तो आर्मेचर रिवर्स के माध्यम से करंट की दिशा ब्रेकिंग करते समय मोटर एक जनरेटर के रूप में चलता रहता है। सीरीज की स्थिति में मोटर को देखभाल यह देखने के लिए की जानी चाहिए कि फील्ड के माध्यम से करंट की दिशा नहीं बदलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रनिंग में इस तरीके से आप देखिएगा और ब्रेकिंग में आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से ये दिखेगा, और ये है आपके पास आर्मेचर, दोनों में लगा हुआ है। आर्मेचर के साथ ही वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है, यानी कि सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं तो ये सीरीज में जुड़ी हुई होती है। डीसी मोटर यानी कि सीरीज शंट और कंपाउंड मोटर के अनुप्रयोग क्या क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, डीसी शंट मोटर के अनुप्रयोग, डीसी शंट मोटर्स का उपयोग किया जाता है जहाँ कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, यानी कि वहाँ इसका उपयोग किया जाता है डीसी शंट मोटर का जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। इसलिए इन मोटरों का उपयोग आमतौर पर फिक्स मोड अनुप्रयोगों में होता है। इस प्रकार की नेचर का उपयोग, देखिए नेचर नहीं है, मोटर, इस प्रकार के मोटर का उपयोग खराद मशीनों, सेंट्रीफ्यूगल फैन, ब्लोअर, कन्वेयर या फिर लिफ्ट में, बुनाई मशीन में, कटाई मशीन आदि में किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर के अनुप्रयोग देख लीजिएगा, तो डीसी सीरीज मोटर का अनुप्रयोग जो है वो यह है कि डीसी मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है।
इन मोटरों का उपयोग केवल उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ गति का परिवर्तन संभव है और सीज मोटर्स कांस्टेंट गति अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। डीसी जो सीरीज मोटर है उसका प्रयोग वैक्यूम क्लीनर, ट्रैक्शन सिस्टम, सिलाई मशीन, क्रेन, एयर कंप्रेसर्स आदि के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं डीसी कंपाउंड मोटर के अनुप्रयोग के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर द्वारा हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क और देखिए कम्यूटेटर द्वारा हम हाई स्पीड जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है और अलग कांस्टेंट स्पीड है उसको प्राप्त करते हैं और इसके कारण से कंपाउंड टॉर्क का उपयोग किया जाता है जहां हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। एक पाउंड सेंटर का उदय प्रेस, शेयर्स, कन्वेयर, लिफ्ट, रोलिंग मिल और हैवी बैनर आदि में किया जाता है। बात करते हैं डीसी मशीनों और उनके पूर्वव्यापी फॉल्ट के बारे में। देखिए, डीसी मशीन में दोष यानी कि फॉल्ट और उनके कारण क्या क्या हैं ये जान लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन बुश के नीचे चिंगारियां उत्पन्न होना, तो ये एक दोष है। इसको देखते हैं कि किस कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसके निम्न कारण हैं कौन कौन से। बुश का उदासीन अक्ष पर न होना, कार्बन बुश यानी कि अनुपयुक्त ग्रेड का होना और कार जो संपर्क प्रतिरोध उसका कम हो जाना, बुश होल्डर का टेढ़ा या फिर तिरछा लगा होना या बुश की सतह का कम्यूटेटर की सतह से पूर्ण रूपेण संपर्क में न आना, तो ये इसके कारण हो सकते हैं। एक है स्प्रिंग द्वारा ब्रश पर अधिक दबाव डालना, ये भी एक कारण बन सकता है। कम्यूटेटर की सतह पर ब्रश का उछल कूद करना, मशीन का अति भारित लोड होना, कम्यूटेटर पर गंदगी व कार्बन का जमा होना या फिर कार्बन बुश का अति खराब होना, ये सभी चिंगारी उठने का कारण बन सकता है। दूसरा दोष होता है मोटर को स्टार्ट करते ही फ्यूज का उड़ जाना। तो इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मोटर के स्टार्टर्स का ऑन स्थिति में ही रह जाना, ये भी इसका कारण बनता है। स्टार्टर्स के प्रतिरोध को तेज़ी के साथ कम करना, ये इसका कारण बन सकता है। मोटर के स्टार्टर्स में दोष का होना या फिर परिपथ में लघुपथ दोष का होना, ये मोटर में स्टार्ट करने पर फ्यूज के उड़ने का कारण बनता है। मोटर धीमी गति से घूम रही है, इसके भी कुछ कारण हैं। जो स्टार्टर्स के रेजिस्टेंस कम, आर्मेचर सर्किट में पूर्ण रूपेण कट न होना यानी कि अलग अलग न होना, आर्मेचर सर्किट में लघुपथ दोष यानी कि SCF का होना, ये भी एक मोटर को गति धीमी देता है। मोटर की गति का अत्यधिक बढ़ जाना, एकदम से ही बढ़ जाती है तो प्रदाय वोल्ट यानी सप्लाई वोल्टेज का बढ़ जाना इसका कारण हो सकता है। संट फील्ड वाइंडिंग के किसी संयोजन का खुला रह जाना या फिर कंपाउंड मोटर में संट या फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का एक दूसरे के विरोध में कार्य करना या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसकी तरह कार्य करना, स्पीड का बढ़ना हो सकता है। नेक्स्ट है मोटर का विपरीत दिशा में घूमना यानी कि उल्टा घूमना, तो इसका कारण हो सकता है आर्मेचर अथवा फील्ड दोनों में से किसी एक के संयोजन का गलत हो जाना, इसलिए संयोजन को सही करना होता है, यही हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट बन जाता है एक रोटेटेड डीसी मशीनों के लॉसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है कॉपर लॉसेस के बारे में बात करें तो ये लॉस आर्मेचर और फील्ड कॉपर वाइंडिंग में होता है। कॉपर के लॉस में बुश कांस्टेंट रेजिस्टेंस के कारण आर्मेचर लॉस, कॉपर लॉस और फील्ड कॉपर लॉस शामिल हैं। आर्मेचर कॉपर लॉस होता है I² A * RA, जहाँ पर IA आर्मेचर करंट है, R जो है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस है। यह लॉस जो है फुल लोड लॉस के लिए लगभग 30-40% योगदान देता है और आर्मेचर कॉपर लॉस परिवर्तनशील है और मशीन के लोडिंग ट्रिप पर निर्भर करता है। तो देखिए, फील्ड कॉपर लॉस I² F * RF हो जाएगा, जहाँ पर IF क्या है फील्ड करंट है और RF क्या है फील्ड रेजिस्टेंस है। एक संट वाउंडेड फील्ड की स्थिति में फील्ड कॉपर लॉस व्यवहारिक रूप से स्थिर है और यह फुल लोड लॉस के लगभग 20-30% का योगदान देता है। बुश कांस्टेंट रेजिस्टेंस भी कॉपर लॉस के योगदान हो सकता है यानी कॉपर लॉस को आगे बढ़ा सकता है। आमतौर पर इस लॉस को आर्मेचर कॉपर लॉस में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस, क्योंकि कोर इसके आयरन की बनी होती है तो उसमें लॉसेस
क्या होता है, जैसे कि आर्मेचर कोर आयरन से बना है और यह मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, तो कोर में एक छोटा सा फ्लक्स भी इंड्यूज होता है। यह करंट के कारण आर्मेचर आयरन कोर में एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस होता है, और आयरन लॉस को कोर लॉस या फिर मैग्नेटिक लॉस कहा जाता है। हिस्टेरेसिस लॉस आर्मेचर कोर के मैग्नेटिज्म के रिवर्स होने के कारण होता है, याद रखिएगा। जब कोर एक पोलो को जोड़ने के नीचे से गुजरता है, पोलो के जोड़े से नीचे से गुजरता है, तो यह मैग्नेटिक रिवर्सल पूर्ण चक्कर से गुजरना पड़ता है। तो मैग्नेटिक रिवर्सल की फ्रिक्वेंसी जो F इक्वल टू पी एन अपॉन 120 होती है, इसको याद रखिएगा, फॉर्मूले में काम आएगा। आयरन लॉस मैग्नेटिक रिवर्सल की फ्रिक्वेंसी और फ्लक्स घनत्व के आयतन और ग्रेड पर निर्भर करती है। हिस्टेरेसिस लॉस का अगर हम बात करें तो स्टाइनमेट्स सूत्र का प्रयोग करते हैं, WH इक्वल टू ईटा बी पावर ऑफ 1.6 मैक्सिमम FV वाट। एडी करंट लॉस का मतलब देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है। जब आर्मेचर कोर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे के नियम के अनुसार कोर में एक EMF को इंड्यूस्ड किया जाता है, जैसे यह आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस होता है। हालांकि यह इंड्यूस्ड EMF छोटा है, यह कोर के कम रेजिस्टेंस के कारण बॉडी में एक बड़ा फ्लक्स का कारण बनता है। इस करंट को एडी करंट के रूप में जाना जाता है और इस करंट के कारण होने वाली पावर लॉस को एडी करंट लॉस के रूप में जाना गया, यानी कि इसी से जो भी लॉस होता है वो एडी करंट लॉस होगा। मैकेनिकल लॉसेस क्या होता है, देखिए वेयरिंग और कम्यूटेटर में घर्षण के कारण होने वाली लॉस को मैकेनिकल लॉस कहते हैं। रोटेटेड आदर जो उसका एयर फ्रिक्शन है, ये एयर है, ठीक है, रोटेटेड आदर, ठीक है, यह मतलब रोटेटेड आर्म का एयर फ्रिक्शन लॉस भी इसमें योगदान होता है, और ये लॉस फुल लोड के लॉस का लगभग 10-20% होता है। स्ट्रे लॉस, तो ऊपर बताए गए लॉसेस के अलावा छोटे लॉस उपलब्ध हो सकते हैं जिन्हें स्ट्रे लॉस कहते हैं। तो विविध लॉस का, जिनको स्ट्रे लॉस या फिर विविध लॉस कहा जाता है, इसमें सभी छोटे लॉसेस आ जाते हैं। तो इन लॉसेस की गणना करना मुश्किल है, ये आमतौर पर मशीन के डिज़ाइन और मॉडलिंग में अशुद्धि के कारण होते हैं। अधिकतर समय स्ट्रे लॉसेस को फुल लोड का 1% माना जाता है। पावर फ्लो डायग्राम को किस तरीके से कहेंगे कि DC जनरेटर या फिर DC मोटर में इन लॉसेस को समझने के लिए सबसे सुविधाजनक विविध पावर प्रवाह आरेख का उपयोग करना चाहिए। आरेख पावर की मात्रा को दर्शाता है जो कि विभिन्न प्रकार के लॉसेस में खराब होती है, और पावर को मात्रा को वास्तव में आउटपुट में परिवर्तित हो गई है वह देखना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीसी जनरेटर का पावर फ्लो डायग्राम। देखिए मैकेनिकल इनपुट यहाँ से जाएगा, फिर मैकेनिकल लॉसेस, कॉपर लॉसेस, ठीक है, कोर लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस, कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस, तब हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर मिलती है, यानी कि इतने लॉसेस से इसको गुजरना पड़ता है, तो इसलिए जो है 100% आउटपुट हमें नहीं मिल पाता है, सब लॉसेस से इसको गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिक इनपुट पावर लॉसेस, ये देखिए कॉपर लॉसेस होता है, कोर लॉसेस होता है, मैकेनिकल लॉसेस होता है, स्ट्रे लॉसेस होता है, इन लॉसेस से गुजर करके हमें जो है मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, लॉसेस जरूर होते हैं। अब बात करते हैं स्विनबर्न डीसी मशीन का टेस्ट। देखिए स्विनबर्न का टेस्ट डीसी मशीनों या फिर विशेष रूप से संट और कंपाउंड मशीनों के टेस्ट की एक डायरेक्ट विधि है, जहां फ्लक्स का जो मान है वो लगभग स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखिए जो चित्र दिखाया गया है आगे, ये वाला यहाँ पर, ये जो चित्र दिखाया गया है आप देख रहे हैं, उसमें डीसी मशीन पर जो स्विनबर्न है उसके टेस्ट के लिए व्यवस्था दिखाता है। और सबसे पहले जिस मशीन को एफिशिएंसी निर्धारित की जानी है वह बिना किसी लोड के ऑपरेट की जाती है, और उस मशीन का लगातार लॉस निर्धारित किया जाता है। वी जो है वो सप्लाई वोल्टेज मान लिया, और वी जो आई नॉट है वो नो लोड करंट है, ISH संट फील्ड करंट है, और I00 या फिर IA-ISH नो लोड आर्मेचर करंट है, यानी कि IAA है, ये IA और A, ठीक है। RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, A यानी कि आर्मेचर। ध्यान दें कि संट फील्ड करंट लोड के बावजूद समान रहता है, तो नो लोड इनपुट पावर जो हो जाएगी V IE हो जाएगी, सॉरी I नॉट, V IE नॉट जीरो।
तो हम जानते हैं कि डीसी मशीन बिना लोड के होती है और इसकी इनपुट पावर का उपयोग केवल लॉस के सप्लाई के लिए किया जाता है और बिना लोड के लॉस होते हैं। आप देखिएगा इस फिगर को देख सकते हैं, ये सप्लाई वोल्टेज वी है, यहाँ पर आर्मेचर ये लगे हुए हैं और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक आप देख ये आर्मेचर ये लगा हुआ है और ये हमारे पास एक कुंजी लगी हुई है, कुंजी बोलते हैं, कुंजी A1 और A2 ये लगी हुई हैं दो और यहाँ पर क्या है आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर शंट वाइंडिंग लगी हुई है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। देखिए नो लोड आर्मेचर कॉपर लॉस जो है इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, नो लोड इनपुट पावर इक्वल टू होता है नो लोड आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस कॉन्स्टेंट लॉसेस। तो कॉन्स्टेंट लॉसेस का मान क्या हुआ, कॉन्स्टेंट लॉसेस को इधर छोड़ेंगे इसको जो है इसके माइनस में ले आएंगे, तो नो लोड इनपुट पावर माइनस नो लोड आर्मेचर कॉपर पावर। तो समीकरण को दोनों को हम देखते हैं तो कॉन्स्टेंट लॉस PC इक्वल टू वी इंटू I0 माइनस ISH का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा RU। चूँकि हमने मशीन के कॉन्स्टेंट लॉस को निर्धारित किया है तो अब मशीन की एफिशिएंसी किसी अन्य लोड पर पाई जा सकती है, इसको ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है कॉपर लॉसेस का, इसको आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है नो लोड आर्मेचर कॉपर लॉसेस का, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। मोटर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करना ये भी एक लॉसेस का कारण हो सकता है। तो देखिए आई जो है वो लोड करंट जिस पर एफिशिएंसी पाई जानी है और मोटर जो है उसको इनपुट पावर वी आई मिल रहा है। मोटरिंग ऑपरेशन के मामले में आर्मेचर जो है आई ए यानी कि आई ए माइनस SH होगा और आर्मेचर कॉपर लॉस का फॉर्मूला हमने कहा था याद कर लीजिएगा, तो ये होता है आई ए स्क्वायर माइनस RA, ठीक है। तो मोटर में कुल लॉसेस क्या हो जाएगा, आर्मेचर कॉपर लॉस क्या है ये वाला और प्लस में कॉन्स्टेंट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटर में कुल लॉसेस कितना हुआ ये, ठीक। अब मोटर इफिशेंसी इनपुट लॉस अपॉन इनपुट हो जाएगा और ये मोटर इफिशेंसी को हम क्या लिखते हैं, वी इंटू आई आई माइनस आई एस एच का होल स्क्वायर इंटू आर ए और पी सी अपॉन में वी इंटू आई। इफिशेंसी जब जनरेटर रनिंग स्थिति में हो, देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये मोटर इफिशेंसी का है, मोटर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करना यानी कि जब कार्य करती है तो ये इफिशेंसी का फॉर्मूला लगेगा। अब इफिशेंसी जब जनरेटर जो है रनिंग में हो, ठीक है, ये मोटर के लिए था, ठीक, और ये है जनरेटर के लिए। तो जनरेटर में क्या होगा, देखिए आई लोड करंट जिस पर इफिशेंसी पाई जानी है, जनरेटर का इनपुट जो है वी आई है और जनरेटर ऑपरेशन की स्थिति में आर्मेचर करंट जो है वो इतना है, तो आर्मेचर कॉपर पावर ये हो जाएगा, जनरेटर की कुल लॉस पावर हो जाएगी ये और जनरेटर में कुल लॉस पावर इतनी आ जाएगी, तो हमारे पास क्या हम रहेगा कि जनरेटर क्षमता आउटपुट अपॉन आउटपुट माइनस लॉस। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये जनरेटर क्षमता का, जब जनरेटर की इफिशेंसी रनिंग मोटर के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा, सॉरी रनिंग जनरेटर के लिए। अब देखिए स्वाइनबर्न टेस्ट के लाभ क्या क्या हैं, तो इस टेस्ट को करने के लिए आवश्यक पावर छोटा है, इसलिए इस विधि डीसी मशीनों के टेस्ट का एक किफ़ायती और सुविधाजनक विधि है। क्योंकि कांस्टेंट टेस्ट पहले से ही निर्धारित हैं इसलिए किसी भी लोड पर एफिशिएंसी पाई जा सकती है। स्वाइनबर्न टेस्ट की हानियाँ क्या क्या है, तो गणना के दौरान कुल लोड से नो लोड तक आयरन लॉस में भिन्नता पर विचार नहीं किया सकता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण आयरन लॉस फुल लोड पर बढ़ जाता है, जैसा कि स्वाइनबर्न टेस्ट नो लोड पर किया जाता है, इसलिए करंट लॉस की गणना करते समय तापमान में वृद्धि और कुल लोड पर जो कंप्यूटेशन है उस पर विचार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रिकल फर्स्ट का लास्ट जो लेक्चर था, चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल, एक जो लेक्चर होगा वो आपका न्यूमेरिकल का और आएगा, ये चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, फिर करेंगे हम चैप्टर नंबर 3, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी हमारे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, आपके पास न्यूमेरिकल इतने गजब तरीके से कराएंगे दोस्तों कि आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।